रामायण के बाद हनुमान जी के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। भगवान राम के इस संसार में सबसे बड़े और अनंत भक्त हनुमान जी है, यह तो हम सब जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब रावण का अत्याचार प्रजापति अत्यधिक कठोर हो गया, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में इस संसार में प्रकट हुए और रावण का विनाश किया। उसके बाद वह अयोध्या चले गए और वहाँ प्रजा की सेवा करने लगे। क्या आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? जब भगवान राम स्वर्ग लोक चले जाने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी के पास इतना शक्ति था कि वह कभी भी पूरे शक्ति का इस्तेमाल किया ही नहीं, यदि करते तो वह अकेले ही लंका का विनाश कर सकते थे। दरअसल जब सुकरों को पता चला कि भगवान राम अपना देह त्याग करके पृथ्वी भी छोड़कर जा रहे हैं, तब उन्होंने बाली के पुत्र अंगद को किस किला का राजा बनाकर वह सभी वानर सेना और विभीषण सहित अयोध्या पहुँचाए और भगवान राम को पृथ्वी लोक न छोड़ने के लिए विनती करने लगे। भगवान राम ने उनके अनुरोध को नकारने के बाद सबने कहा, हे प्रभु, अगर आप स्वर्ग लोक चले गए तो यह भी हमारे लिए मृत्यु के समान है, इससे बेहतर होगा कि आप हमें साथ ले चलें। भगवान राम ने उनका यह अनुरोध मान लिया, लेकिन दामन, हनुमान और विभीषण को पृथ्वी लोक छोड़ने से मना कर दिया। भगवान राम ने हनुमान से कहा कि तुम अमर रहोगे, जब तक इस संसार में मेरा इतिहास याद रखा जाएगा तब तक तुम सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजनीय रहोगी, और उसके बाद बाकी लोगों के साथ भगवान राम सरोजिनी नदी में विनिमय हो गए। कई जगहों में लोगों ने हनुमान जी को देखे जाने का दावा किया है, ऐसा कहा जाता है हनुमान जी आज भी जिंदा है। यह सच है या झूठ, यह तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक इस पृथ्वी में इंसान जिंदा है तब तक भगवान श्री राम का इतिहास याद किया जाएगा और तब तक भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त के रूप में हनुमान जी को पूजा किया जाएगा।